What is culture? By Pandit Jawahar Lal Nehru. Hi guys, welcome back to our YouTube channel Talk to Someone. What is culture? By Pandit Jawahar Lal Nehru. इस चैप्टर को ट्रांसलेट करेंगे हम फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. सबसे पहले इसके ऑथर राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन रिनोन्ड फैमिली एट अलाहाबाद. अलाहाबाद में एक जानी मानी परिवार में उनका जन्म हुआ था. हिज फादर मोतीलाल नेहरू वॉज अ नोटेड लॉयर. उनके पिताजी एक जाने माने वकील थे मोतीलाल नेहरू. हिज मदर स्वरूप रानी वॉज अ कल्चरल नोबल एंड गॉड फियरिंग लेडी. उनकी माँ जो थी स्वरूप रानी एक सांस्कृतिक और भगवान पर विश्वास करने वाली महिला थी. एट द एज ऑफ 15 15 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड. नेहरू जी को इंग्लैंड भेजा गया फॉर फर्दर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए. ही स्टडीज एट हॉरो फॉर 2 ईयर्स. हॉरो में 2 वर्ष के लिए वो पढ़े. एंड इन 1907 में ही मूव्ड टू ट्रिनिटी कॉलेज. ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए कैम्ब्रिज में. ही रीड सच ऑथर एज डिकेंस किपलिंग मार्क ट्वेन एच जी वेल्स एंड अदर्स. उन्होंने कुछ लेखकों को पढ़ा जैसे कि डिकेन किपलिंग मार्क ट्वेन और एच जी वेल्स ने को और अन्य को. ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. उन्होंने बड़े क्रियाशील तरीके से भारत की आज़ादी के लिए जो कार्यशीलता थी उसमें भाग लिया. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आर नेहरूज परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. संसार के साहित्य के लिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनके हमेशा याद रखने वाले साहित्य हैं. हिज हिस्टोरिकल राइटिंग इज प्रेज्ड फॉर द विविडनेस ऑफ स्किलफुलनेस. बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उनके ऐतिहासिक लेखन को उसकी प्रशंसा की गई है. वाइल राइटिंग हिज व्यूज ही इज नेवर बिग टोटेड. अपने मत लिखते समय उन्होंने कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहे. इन दिस ऐसे इस ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू इज ट्राइंग टू प्रोब इनटू द रियल मीनिंग ऑफ द कल्चर. यहाँ पर वो कल्चर संस्कृति के एक सही अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ही एडमिट्स दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द वर्ड कल्चर. वो ये भी मानते हैं कि शब्द कल्चर को परिभाषित करना कठिन है. ऑल्दो ईच नेशन एंड ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर. क्योंकि हर राष्ट्र और हर सभ्यता अपना खुद का ही संस्कृति बनाती है, कल्चर बनाती है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड. ऐसा कल्चर ऐसी संस्कृति को ढूंढ पाना बड़ा असंभव है जो शुद्ध बिल्कुल शुद्ध हो और किसी भी अन्य कल्चर से प्रभावित ना हो. अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू के अनुसार द कल्चर ऑफ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट. देश का जो संस्कृति है वो उसके ज्योग्राफी भौगोलिक इकाई और उसके वातावरण के अनुसार प्रभावित होता है. पीपल ऑफ एवरी कंट्री कंसिडर देयर कल्चर बेस्ट एंड दे आर प्राउड ऑफ इट. हर देश के लोग अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा मानते हैं और उन्हें इस पर गर्व होता है. कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन अ मैन. संस्कृति का अर्थ है अपने एक मनुष्य के अंदर अंदरूनी ग्रोथ. ही मस्ट बी नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स. उसे जानना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए. ही शुड अंडरस्टैंड अदर्स एंड मेक हिमसेल्फ अंडरस्टूड. वो दूसरों को समझ में आना चाहिए और दूसरे की बात भी समझे. तो चलिए शुरू करते हैं. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन इन माई माइंड एंड आई शैल स्टेट
क्वाइटली फ्रैंक, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा दुविधाएं हैं और मैं फ्रैंकली कहने की कोशिश करूंगा व्हाट इज़ और वो क्या दुविधाएं हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस क्रॉप अप फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन इन वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो संसार है और वो सारे क्वेश्चन उन संसार से ही आते हैं। नेशंस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन अनदर, राष्ट्र और ग्रुप और इंडिविजुअल व्यक्ति एक दूसरे को समझने की बात करते हैं। एंड इट सीम्स एन ऑब्वियस थिंग दैट पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए एंड टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से सीखना चाहिए। येट वेन आई लुक थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, जब मैं इतिहास के पेजों को देखता हूँ और स्टडी करेंट इवेंट्स, आई समटाइम्स फाइंड दैट पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वरल मोस्ट, इतिहास के पेजों को और वर्तमान स्टडी को मैं पाता हूँ तो मुझे ये मिलता है कि जो लोग एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं वही सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं। कंट्रीज विच आर नेक्स्ट डोर टू वन अनदर, ऐसे देश जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं इन यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया में हैं, सम हाउ सीम टू रब वन अनदर अप टू रॉन्ग वे, एक दूसरे को गलत तरीकों से बिहेव करने की कोशिश करते रहते हैं। दो दे नो वन अनदर वेरी थॉरली, हालांकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दस नॉलेज बाई इट सेल्फ डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप, इसलिए जो ज्ञान अपने आप में है वो बहुत बड़े समझौते और दोस्ती को नहीं बनाता है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नई बात नहीं है। इवन द लॉन्ग पेजेज ऑफ हिस्ट्री शो दैट, इतिहास के लंबे लंबे पेज भी यही दिखाते हैं। हैज़ देयर बीन समथिंग रॉन्ग इन इंडिविजुअल नेशंस और इन अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, किसी भी नेशन और किसी भी व्यक्ति में कोई कुछ गलत होता है तो यह प्रश्न पैदा होता है, और इज इट समथिंग एल्स दैट हैज़ नॉट वर्कड एज इट शुड हैव डन, और कहा जाता है कि ऐसा किया जाता तो ऐसा हो जाता। वैन वी टॉक ऑफ कल्चरल रिलेशंस, जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं, द क्वेश्चन दैट इमीडिएटली अराइजेज इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में जो प्रश्न तुरंत आता है वो है व्हाट एग्जैक्टली इज कल्चर, असल में कल्चर है क्या। दैट पीपल टॉक सो मच अबाउट, जिसके बारे में लोग इतना बात करते हैं। वैन आई वॉज यंगर इन ईयर्स, जब मैं छोटा था, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट जर्मन कल्चर, मैंने जर्मन कल्चर के बारे में पढ़ा। एंड ऑफ अटेम्प्ट ऑफ जर्मन पीपल टू स्प्रेड इट कंक्वेस्ट एंड अदर मीन्स, और उन्होंने इसका कोई अर्थ अलग ही निकाला। देर वॉज अ बिग वॉर स्प्रेड इन दिस कल्चर एंड टू रेसिस्ट इट, और इस कल्चर के बारे में बहुत बड़े युद्ध हुए। एवरी कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल सीम टू हैव देयर पर्टिकुलर आइडिया ऑफ कल्चर, हर देश और हर राष्ट्र का अपना कल्चर का, संस्कृति का एक अलग ही विचार है। व्हेन देयर इज टॉक अबाउट कल्चर रिलेशंस, जब सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाती है, ऑल्दो इट इज वेरी गुड इन थ्योरी, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दैट दोज पिक्यूलर आइडियाज कम इन टू कंफ्लिक्ट एंड इंस्टेड ऑफ लीडिंग टू फ्रेंडशिप दे लीड टू मोर इस्ट्रेंजमेंट, तो संबंधों के आधार पर संस्कृतियों की बात की जाती है तो दोस्ती के बजाय वहाँ पर विरोध, विवाद और एक दूसरे से मतभेद पैदा होते हैं। इट इज़ बेसिक क्वेश्चन, ये एक आधारभूत और मूलभूत प्रश्न है, व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। एंड आई एम सर्टनली नॉट कम्पिटेंट टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ इट, और मैं निश्चित ही इसकी डेफिनेशन देने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट फाउंड वन, क्योंकि मुझे भी इसका उत्तर नहीं मिला है। वन कैन सी ईच नेशन एंड ईच सेपरेट सिविलाइजेशन डेवलपिंग इट्स ओन कल्चर, कोई भी देख सकता है हर राष्ट्र और हर भिन्न सभ्यता
अपना खुद का खुद की अलग संस्कृति बनाती है दैट हैड इट्स रूट्स इन जनरेशन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जिसकी जड़ें हजारों और सैकड़ों वर्ष पहले जमी हुई हैं। वन सीज दीज नेशंस बींग इंटीमेटली मॉल्डेड बाई इम्पल्स दैट इनिशियसली स्टार्ट सिविलाइजेशन गोइंग ऑन इट्स ऑन पाथ। कोई भी देख सकता है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी, बहुत पुराने वर्षों पहले की जमी हुई हैं और फिर वो अपने हिसाब से बढ़ता जाता है, अपना संस्कृति बनाता जाता है। दैट कंसेप्शन इज अफ्लेक्टेड बाई अदर कंसेप्शन, उनके खुद के विचार होते हैं हर सभ्यता में, हर संस्कृति में, और वो विचार किसी दूसरे के व्यक्ति के विचार और दूसरे देशों से प्रभावित होते हैं। एंड वन सीज एक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज वेराइंग कंसेप्शन, और इस तरह से वो अपने उन दूसरे के विचार और कार्यशैलियों से अपने अंदर प्रभावित पाते हैं और उनको बदलने की कोशिश करते हैं। देयर इज आई सपोज नो कल्चर इन द वर्ल्ड विच इज एब्सोल्युटली प्रिसिस्टिंग, ऐसा संसार में कोई भी कल्चर नहीं जो किसी दूसरे कल्चर से प्रभावित ना हो, प्योर एंड अनअफेक्टेड बाई वन अनदर कल्चर, जो दूसरे से प्रभावित ना हो और बिल्कुल शुद्ध हो। इट सिंपली कैन नॉट बी जस्ट एज नो बडी कैन से दैट ही बिलोंग्स 100% टू पर्टिकुलर रेसियल टाइप, बिकॉज इन द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ईयर्स अनमिस्टिकेबल चेंजेस एंड मिक्सचर्स हैव अकर्ड। क्योंकि ठीक उसी तरह से है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, 100% मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि वो हजारों और सैकड़ों वर्ष पहले से जमी हुई संस्कृति में भी दूसरों से प्रभावित होती है और उसमें कई संस्कृतियाँ अपने अपने आप में मिक्सर हो जाते हैं, मिल जाते हैं कई सभ्यताएँ। सो कल्चर इज बाउंड टू गेट अ लिटिल मिक्सड अप, इसलिए संस्कृति जो है थोड़ा सा एक दूसरे से मिली हुई है। इवन दो द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशनल कल्चर रिमेंस डोमिनेट, लेकिन फिर भी जो किसी राष्ट्र का मुख्य कल्चर है उसका बेसिक मुख्य विचार जो होगा वो उसका खुद का होगा, लेकिन फिर भी मिक्सचर हो जाता है। इफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स गोज ऑन peacefully there is no harm in it, अगर ये चीज़ दूसरों को अडप्ट करने, दूसरों की बातों को स्वीकार करने की बात शांतिपूर्वक चलती रहे तो कोई भी हानि नहीं है। बट इट ऑफन लीड्स टू कंफ्लिक्ट, लेकिन अक्सर इसमें विवाद खड़े होते हैं। इट समटाइम्स लीड्स टू अ ग्रुप फियर दैट देयर कल्चर इज बींग ओवरवेल्म्ड बाई वट दे कंसिडर टू बी एन आउटसाइड और एलियन इन्फ्लुएंस, कभी कभी लोग सोचने लगते हैं कि उनके कल्चर को ज़्यादा माना जाने लगा है और उनके कल्चर को ज़्यादा प्रभावित माना जाने लगा है, उनका कल्चर ज़्यादा अच्छा है। देन दे डो देमसेल्फ इनटू अ शेल विच इसोलेट्स देम एंड प्रिवेंट्स देयर थॉट्स एंड आइडियाज गोइंग आउट, इस तरह से वो किसी और के विचारों से भी के बारे में सोचने लग जाते हैं और उनके खुद के विचार खोने लगते हैं। दैट इज एन अनहेल्दी सिचुएशन, ये एक अनहेल्दी स्थिति है, बिकॉज इन एनी मैटर एंड मच मोर सो इज इन व्हाट माइट बी कॉल्ड अ कल्चरल मैटर स्टेंटेड इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग, ये सबसे खराब संभव चीज है। कल्चर इफ इट हैज एनी वैल्यू मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ, अगर कल्चर की, सभ्यता की, संस्कृति की कोई वैल्यू है तो उसकी जड़ें गहरी होती होनी चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो हैव अ सर्टेन डायनेमिक करेक्टर, इसका कुछ अद्भुत चरित्र होना चाहिए। आफ्टर ऑल कल्चर डिपेंड्स ऑन अ वेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि कई फैक्टर्स का, कई तथ्यों पर कल्चर संस्कृति निर्भर करती है। इफ वी लीव आउट what might be called the basic mold that was given to it in the early stages of nations or people's growth, it is affected by geography, by climate and by all kind of factor, other factors. तो संस्कृति जो है बहुत सारी
चीज़ों से प्रभावित होती है, उसकी भौगोलिक इकाइयों से और उसके जो वातावरण है उससे, या फिर अन्य चीज़ों से। द कल्चर ऑफ अरेबिया इज इंटीमेटली गवर्न्ड बाय द ज्योग्राफी एंड द डिजर्ट्स ऑफ अरेबिया। अरेबिया का जो कल्चर है उसकी भौगोलिक इकाई और उसकी जो रेगिस्तान है उससे प्रभावित है। बिकॉज इट ग्रो अप देयर, क्योंकि ये वहीं पर बड़ा है। ऑब्वियसली निश्चित ही द कल्चर ऑफ इंडिया इन द ओल्ड एज वॉज अफेक्टेड ग्रेटली। पुराने ज़माने में भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति प्रभावित हुई थी बहुत ज़्यादा, एज वी सी इन अवर लिटरेचर, जैसा कि हम अपने साहित्य में देखते हैं। बाई द हिमालयाज द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया अमोंग अदर्स थिंग्स। हिमालयों से और नदियों से और अन्य चीज़ों से प्रभावित हुई थी। इट वॉज नेचुरल ग्रोथ फ्रॉम द सोइल, ये मिट्टी में एक प्राकृतिक ग्रोथ थी और विकास था। ऑफ द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर लाइक आर्किटेक्चर म्यूजिक एंड लिटरेचर, कल्चर के जो मुख्य जो केंद्र हैं वो आर्किटेक्चर है, वहाँ की बनावट है, भौगोलिक इकाई और साहित्य है और संगीत है। एनी टू वे मे मिक्स टुगेदर, अगर कोई भी दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं एज दे ओपन डेट, जैसा कि अक्सर होता है, एंड प्रोड्यूस अ हैप्पी कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई भी चीज़ दो मिल जाए किसी कल्चर में तो एक अच्छा और सुखद कॉम्बिनेशन होता है। बट वेयर देयर इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव समथिंग और द अदर विच डज नॉट, लेकिन अगर किसी इसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है नेचुरली, जो कि प्राकृतिक रूप से ग्रो नहीं करती, एंड माउट इट्सेल्फ विदाउट अपरूटिंग इट्सेल्फ, और अपनी जड़ें उखाड़े बिना अपनी नींव बनाए रखती है, कंप्लीट इन विटेबली राइजेज देन ऑल्सो कम्स समथिंग विच टू माई माइंड इज बेसिकली अपोज टू ऑल आइडियाज ऑफ कल्चर। तब मेरा दिमाग जो कल्चर के जो विरोधी आइडियाज हैं उनके अगेंस्ट है। एंड दैट इज द इसोलेशन ऑफ माइंड एंड डेलिब्रेट शटिंग अप ऑफ द माइंड टू अदर इन्फ्लुएंसेज। अगर कोई कल्चर और मेरा जिस चीज़ के, मेरा माइंड जिससे विरोध करता है वो इससे करता है कि अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को बंद कर देना कि हम किसी कल्चर से प्रभावित नहीं होंगे, मैं इसका विरोधी हूँ। माय ओन व्यू ऑफ इंडियाज हिस्ट्री इज दैट, मेरा खुद का जो मत है भारत के इतिहास के बारे में वो ये है, वी कैन ऑलमोस्ट मीजर द ग्रोथ एंड द एडवांस ऑफ इंडिया, हम नाप सकते हैं भारत के ग्रोथ को एंड द डिक्लिन ऑफ इंडिया बाय रिलेशन रिलेटिंग देम टू प्रोवाइड पीरियड व्हेन इंडिया हैड हर माइंड ओपन इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड व्हेन शी वांटेड टू क्लोज इन अप। इस हिसाब से नापा जा सकता है कि जब भारत ने अपने मस्तिष्क को खोल के रखा था दूसरों के कल्चर को अपनाने के लिए, द मोर शी क्लोज इट अप, जितना इसने बंद किया है, द मोर स्टैटिक द शी बिकम्स, उतना ही ज़्यादा भारत स्टैटिक और अपने आप में सिमटा रह गया। लाइफ वेदर ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप और नेशन और सोसाइटी, जीवन की बात करें चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हो, चाहे राष्ट्र की हो, किसी ग्रुप की हो या समाज की हो, इज एसेंशली अ डायनेमिक चेंजिंग ग्रोइंग थिंग, ये एक अद्भुत बदलती और विकसित होने वाली चीज है। वेदर वट एवर स्टॉप दैट ग्रोथ ऑल्सो इंजोर्स इट एंड अंडर माइंस इट, जो भी इसको रोकता है वो इसको घायल करने की कोशिश करता है, पीड़ित करता है और अपने आप में विकास को रोक लेता है। वी हैव हैड ग्रेट रिलीजन्स एंड दे हैव हैड इनॉर्मस इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, हमारे बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे ह्यूमैनिटी और मानवता से प्रभावित होते हैं धर्म, येट इट मे से सो विद ऑल रेस्पेक्ट
and without meaning any ill to any person, those very relations in measures that they made the mind of man static, dragatic, and vibrative have had to mind and evil effect. हम अगर देश से प्रभावित होते हैं किसी से, किसी कल्चर से, तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बुरे प्रभाव को अपनाना नहीं चाहिए. द थिंग्स दे से दैट मे बी गुड, बट व्हेन इट्स क्लेम्ड दैट द लास्ट वर्ड हैज बीन सेड, सोसाइटी बिकम स्टैटिक. लेकिन कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अगर इसको अपनाया न जाए, लास्ट वर्ड हैज बीन सेड, कि समाज स्टैटिक हो जाता है. द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और रेस और नेशन मस्ट नेसेसरली हैव अ सर्टन डेप्थ. किसी भी ह्यूमन बीइंग और इंडिविजुअल व्यक्ति की एक निश्चित जड़ें होती हैं एंड सर्टेन रूट समवेयर, कहीं ना कहीं गहराई होती है और कहीं ना कहीं जड़ें होती हैं. दे डू नॉट काउंट फॉर मच अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट. अगर किसी के भी कल्चर को अपनाया जाए, अगर जड़ें नहीं जमी हैं भूतकाल की, विच पास्ट इज आफ्टर अ ऑल अ एक्युमुलेशन एंड जनरेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड सम टाइप्स ऑफ विजडम. पास्ट में जड़ें जुड़ी रहनी चाहिए क्योंकि बुद्धिमता वहाँ पर होती है. इट इज एसेंशियल दैट यू हैव दैट, अदरवाइज यू बिकम जस्ट पेल कॉपीज ऑफ सम टाइम विच हैज नो रियल मीनिंग टू यू एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप. अगर वो जड़ें नहीं जमी हैं हमारी पुरानी संस्कृतियों से और हम नई चीज़ों को ही फॉलो करते रहते हैं, तो हम एक दूसरे सभ्यता की, कल्चर की नकल बन के रह जाएंगे. ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, वन कैन नॉट लिव इन द रूट्स अलोन. यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि कोई व्यक्ति केवल जड़ों पर भी नहीं रह सकता. इवन रूट्स विटर अनलेस दे कम आउट इन द सन एंड द फ्री एयर. जड़ें भी पेड़ की तरह से किसी मतलब की नहीं है अगर उनको खुली हवा ना मिले और खुली धूप ना मिले. ओनली देन कैन द रूट्स गिव यू सस्टेंशन, ओनली देन कैन देयर बी ब्रांचिंग आउट ऑफ अ फ्लोरिंग. फूल और शाखाएं आना तभी संभव है जब उनको फ्री हवा मिले, मुक्त हवा मिले और धूप मिले. तो जड़ें, जिस तरह से पेड़ में जड़ें जरूरी होती हैं और बाहर की हवा और धूप भी जरूरी होती है, ठीक उसी तरह से संस्कृति में भी यही है. हमें जमे रहना चाहिए, संस्कृति पुरानी अपनी संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए, और नए संस्कृति कहीं से मिल रही है, कल्चर मिल रहा है, उसको भी हमें अपनाना चाहिए कुछ अच्छा है तो. डज कल्चर मीन सम इनर ग्रोथ इन द मैन. क्या संस्कृति का मतलब मनुष्य में कुछ अंदरूनी ग्रोथ है, विकास है? ऑफकोर्स इट मस्ट, होना चाहिए, निश्चित ही. डज इट मीन द वे ही बिहेव्स टू अदर्स. क्या जिस तरह से व्यक्ति बिहेव करता है अन्य लोगों के साथ, क्या ये वह है? सर्टनली इट मस्ट, हाँ, कल्चर का इस पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए. डज इट मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन. क्या कल्चर का मतलब दूसरे व्यक्ति को समझने की क्षमता होती है? आई सपोज सो, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है. डज इट मीन द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाई द अदर पर्सन. क्या इसका मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा तुम्हें समझा जाना होता है? आई सपोज सो, मैं यही मानता हूँ. इट मीन्स ऑल दैट, इसका कल्चर का मतलब यही सब है. अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर्स व्यू पॉइंट. वह व्यक्ति जो दूसरे के व्यू मत को नहीं समझता है, इज टू दैट एक्सटेंट लिमिटेड इन माइंड एंड कल्चर. वह व्यक्ति अपनी संस्कृति में लिमिटेड है. बिकॉज नोबडी परहैप्स बेरिंग सम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग कैन परस्यूट टू हैव फुलेस्ट नॉलेज एंड विजडम. क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें पूरी बुद्धिमता हो और पूरा ज्ञान हो, इसलिए दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए. द अदर पार्टी और द अदर ग्रुप में ऑल्सो हैव सम इंकलिंग नॉलेज और विजडम. अन्य पार्टी, अन्य व्यक्ति और अन्य ग्रुप में भी नॉलेज हो सकता है और ट्रुथ, सच्चाई हो सकती है. एंड इफ शट अवर माइंड टू दैट
then we not only deprive ourselves of it but cultivate an attitude of mind which I would say is opposed to that of cultured man. तो मैं ये समझूंगा वह व्यक्ति कभी कुछ दूसरों एक इस तरह का एटीट्यूड बन के रह जाता है कि किसी की कभी सुनता नहीं और किसी को कभी फील नहीं कर सकता. द कल्चर माइंड रूटेड टू इन इटसेल्फ, एक सांस्कृतिक मस्तिष्क अपने आप में जड़ें बनाए हुए हैं, शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, उसकी खिड़की और दरवाजे खुले रहने चाहिए. इस बात का मतलब है कि उसे दूसरों की भी सुननी चाहिए. इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट, इसके पास क्षमता होनी चाहिए दूसरों के मतों को समझने के लिए. इवन दो इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विद इट, भले ही वो दूसरों से सहमत ना हो. द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ओनली अराइजेज व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग, जब आपको कोई चीज़ समझ में आएगी तभी सहमति और असहमति की बात पैदा होती है, इसलिए सुनना जरूरी होता है. अदरवाइज इट इज ब्लाइंड नेगोटेशन विच इज नॉट कल्चर अप्रोच टू एनी क्वेश्चन, अन्यथा यह एक अंधी दौड़ हो जाएगी जिसमें कोई संस्कृति की बात ही नहीं होगी. आई शुड लाइक टू यूज अनदर वर्ड साइंस, मैं एक और शब्द विज्ञान यूज करना चाहूँगा. What is scientific approach to life's problems? जिंदगी की समस्याओं के लिए वैज्ञानिक अप्रोच क्या है? I suppose it is one of the examining everything of seeking truth by trial. मैं समझता हूँ कि किस हर चीज़ को एनालाइज करना, हर चीज़ को खोजबीन करना और ट्रायल के द्वारा एंड एरर एंड बाय एक्सपेरिमेंट और उस पर प्रयोग करके ऑफ नेवर सेइंग दैट दिस मस्ट बी सो बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड Why is it so? कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए ऐसा क्यों है. साइंस में यही होता है. If one is convinced of it, अगर कोई इस बात को समझ जाता है, of accepting समझ स्वीकार करता है, of having the capacity to change one's notion, किसी की विचारों को बदलने की क्षमता रखता है, the moment some other proof is फॉर कमिंग, तो एक अन्य बात साबित होने वाली है ऑफ हैविंग एन ओपन माइंड, खुले मस्तिष्क की, विच ट्राइज टू इम्बाइन द ट्रूथ वेयर एवर द फाउंड, वहाँ पर वो सच को स्वीकार करेगा जहाँ पर भी उसे सच मिलेगा अगर वो साइंटिफिक अप्रोच को मानता है. इफ दैट इज कल्चर, अगर यही संस्कृति है, हाउ फार इज इट रिप्रेजेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इन नेशन ऑफ टूडे, तो ये आधुनिक संसार से और आज के राष्ट्र से कितना दूर है. ऑब्वियसली इफ इट वॉज रिप्रेजेंटेड मोर देन इट, अगर इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल वुड बी फार इजियर टू सॉल्व, तो बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान हो जाएंगी. Almost every country in the world believes that it has some special dispensations from providence. हर संस्कृति, हर राष्ट्र समझता है कि उसके पास कुछ विशेष क्षमताएं हैं. That it is of the chosen people or race that others, whether they are good or bad, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन समझते हैं उनके पास एक विशिष्ट काइंड के लोग हैं. Are somewhat inferior creation. It is extraordinary how this kind of feeling persists in all the nations of the East as well as West, पश्चिम और पूर्व के सारे राष्ट्रों में ये बातें होती हैं. The nation of the East are strongly entrenched in their own ideas. ईस्ट के राष्ट्र अपने आइडियाज पर मजबूती से विश्वास करते हैं and conviction and sometimes in the own sense of superiority about certain matters, कुछ निश्चित matters पर अपने आप को महत्वपूर्ण और बड़ा मानते हैं. Anyhow, किसी भी तरह से in the course of the last 200 or 300 years, पिछले 200 or 300 साल पहले, they have received many knocks on the head and they have been humiliated, they have been debased and they have been exploited. उन्हें पता पड़ गया कि उनको के
से ईस्ट के जो देश हैं उनके पास भी क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। नेशनलिज्म राष्ट्रीयता ऑफकोर्स इज अ क्यूरियस फेनोमोनन विच एट अ सर्टेन स्टेज इन अ कंट्रीज हिस्ट्री गिव्स लाइफ। राष्ट्रीयता भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ होती है जो देश को जिंदगी देती है, ग्रोथ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी और एकता देती है। एट द सेम टाइम उसी तरह से इट हैज़ टेंडेंसी टू लिमिट वन बिकॉज वन थिंग्स ऑफ वंस कंट्री एज समटाइम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमें इस टेंडेंसी से बचना चाहिए क्योंकि एक देश की एक चीज़ें दूसरे देशों से अलग होती हैं। द परसेप्टिव चेंजेज एंड वन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ओन स्ट्रगल्स एंड वर्च्यूज एंड फेलिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ द अदर थॉट्स। अगर आदमी इसी के बारे में सोचता रहेगा तो खुद ही के गुणों के बारे में बात करेगा और दूसरों की बातों को, दूसरे देशों की बातों और कल्चर के बारे में समझने में असफल रहेगा। द रिजल्ट इज दैट द सेम नेशनलिज्म विच इज द सिंबल ऑफ द ग्रोथ फॉर पीपल। परिणाम यह होगा कि वही राष्ट्रीयता जो लोगों के ग्रोथ और विकास का प्रतीक है बिकम्स अ सिंबल ऑफ द सेसेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ माइंड। मस्तिष्क के विकास का ग्रोथ बन का सिंबल बन जाएगा। नेशनलिज्म व्हेन इट बिकम्स सक्सेसफुल समटाइम्स गोज ऑन स्प्रेडिंग एन एग्रेसिव वे। अगर नेशनलिज्म एक बिखरती जाए और आक्रामक तरीके से चलती जाए बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से खतरनाक बन जाती है। वॉट एवर लाइन ऑफ थॉट यू फॉलो, किसी भी विचार और थॉट को आप फॉलो करते हैं, यू अराइव एट द कंक्लूजन, आप इस कंक्लूजन पर आते हैं दैट सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, कि कोई संतुलन मिलना चाहिए। अदरवाइज सम थिंग दैट वॉज गुड कैन टर्न इन टू एविल, अन्यथा जो चीज़ें अच्छी थी वो बुरी में बदल सकती हैं। कल्चर विच इज एसेंशली अ गुड बिकम्स ओनली स्टैटिक बट एग्रेसिव एंड समथिंग दैट ब्रीड्स कंफ्लिक्ट एंड हेट्रेड व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कल्चर को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टैटिक और मतभेद का कारण बन जाता है। हाउ यू आर टू फाइंड द बैलेंस, आप कैसे संतुलन पाते हैं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज, इस युग की पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं से हटकर परहैप्स दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, नेशनलिज्म को एक गलत तरीके से ले जाना। बिकॉज बिहाइंड इट देयर इज अ ट्रिम्बरेस कंफ्लिक्ट इन अ स्पिरिट ऑफ अ मैन, इसके पीछे मनुष्य की आत्मा में एक बहुत बड़ा मतभेद है। एंड अ ट्रिम्बरेस सर्च फॉर समथिंग विच इज कैन नॉट बी फाइंड, और इस चीज़ की तलाश है जिसे पाया नहीं जा सकता। वी हैव इनएक्टिवली टू डील विद द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक एंड अदर वेज, बट आई डू थिंक that behind it there is a trust psychological problem in the minds of the people. लोग हमें लोगों की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बजाय जो साइकोलॉजिकल और जो मानसिक समस्याएं मस्तिष्क में बनी हैं उनकी बात करनी पड़ेगी और उन समस्याओं को समाधान करना होगा। It may be that some people think about the consciously or deliberately and others rather unconsciously and dimly, but that thing completely exists the spirit of a man today in certain. कोई व्यक्ति कुछ सोच सकता है, कोई व्यक्ति कुछ सोच सकता है, इससे मतभेद पैदा होते हैं। हाउ इट विल बी रिजॉल्व, इस समस्या को सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। वन थिंग दैट ट्रबल्स मी, जो चीज़ मुझे परेशान करती है इस दिस वो ये है, पीपल हु अंडरस्टैंड वन अनदर मोर एंड मोर बिगिन ऑफन इनफ टू क्वेरल
मोर एंड मोर। जो व्यक्ति अपने आप को ही सबसे ज़्यादा जानते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, वही आपस में सबसे ज़्यादा झगड़ते हैं। Nevertheless, it does not follow from this that we should not try to understand one another. हम कभी भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। That would amount of limiting oneself completely and try to and that is something which really cannot be done in the context of the modern world. ये आज के आधुनिक ज़माने में करना बहुत मुश्किल है कि लोग दूसरों की समझ नहीं पाते, उनको कैसे समझाएं। Therefore, इसलिए it becomes essential, ये ज़रूरी होता है that we try to understand one another, कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें in the right way, सही तरीके से। The right way is important, सही तरीका महत्वपूर्ण है। The right approach, the friendly approach is important, सही तरीका और मित्रवत तरीका सही महत्वपूर्ण होता है। Because a friendly approach brings a friendly response, क्योंकि एक मित्रवत तरीका ही मित्रवत जवाब और उत्तर लाता है। I have not the shadow of a doubt, मुझे एक संदेह भी नहीं है, संदेह की छाया नहीं है, that it is a fundamental rule of a human life, कि मनुष्य की ज़िंदगी में ये एक मूलभूत सिद्धांत है। If the approach is good, यदि approach सही होगा, the response is good, तो response भी जवाब भी सही मिलेगा। If the approach is bad, approach बुरा है, the response is likely to be bad too, तो response भी बुरा ही होगा। So if we approach our fellow human beings, इसलिए हम अपने fellow human, अपने दोस्त human beings से मिलने वाले हैं, our countries in या देशों से मिलने वाले हैं, in a friendly way, मित्रवत तरीके से, with अवर माइंड्स, अपने दिमाग में और दिलों में मित्रवत तरीका है। ओपन द प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट वट एवर गुड कम्स टू देम, उनसे जो भी अच्छाइयाँ आने वाली हैं उनको स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। एंड दैट डन नॉट मीन सरेंडरिंग समथिंग दैट वी कंसिडर एसेंशियल वैल्यू ऑफ ट्रूथ और अवर ओन जीनियस, अपने खुद के जीनियस के बुद्धि के हिसाब से हम सत्य को स्वीकार करते हैं। देन वी शैल बी लेड नॉट ओनली टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, तो ना हम समझदारी की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट द राइट टाइप ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग, बल्कि हम एक अच्छी और सही तरीके की समझदारी को समझेंगे। आई शैल लीव यू डिटरमाइन व्हाट कल्चर एंड विजडम रियली आर, मैं आपको निश्चित इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि असली में संस्कृति और बुद्धिमत्ता क्या है। वी ग्रो इन लर्निंग इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हम अनुभवों से और ज्ञान से विकास करते हैं। टिल वी हैव सच एन एनॉर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ देम दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है। वी आर ओवरवेल्म्ड बाई ऑल दिस एंड एट द सेम टाइम सम हाउ अवर अदर वी हैव अ फीलिंग दैट ऑल दीज पुट टुगेदर डू नॉट नेसेसरी रिप्रेजेंट अ ग्रोथ इन द विजडम ऑफ अ ह्यूमन रेस, एक मानवीय रेस के लिए हमें दूसरों की स्थिति को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आई हैव अ फीलिंग दैट परहैप्स सम पीपल हु डिड नॉट हैव ऑल द एडवांटेज ऑफ अ मॉडर्न, शायद किसी व्यक्ति के पास आधुनिक सुविधाएं ना हो एंड मॉडर्न साइंस के बारे में जानकारी ना हो, वर इसेंशली वाइजर देन मोस्ट ऑफ अस आर, वो हमसे फिर भी बुद्धिमत्ता भरा हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। वेदर और नॉट वी शैल बी एबल टू लेटर टाइम्स टू कम्बाइन ऑल द नॉलेज साइंटिफिक ग्रोथ एंड बेटरमेंट ऑफ अ ह्यूमन स्पेसिस विद अ ट्रू विजडम, हम सही ह्यूमन स्पेस मानवीय क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नॉट नो किस तरह से, इट इज रेस बिटवीन वेरियस फोर्सेज, विभिन्न तरह के बलों से हमारी दौड़ है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ सेइंग ऑफ अ वेरी वाइस मैन, एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान की कहावत मुझे याद आ रही है, हु वॉज फेमस ग्रीक पोइट, वो एक जाना पहचाना प्रसिद्ध ग्रीक का कवि है। वट एल्स इज अ विजडम, बुद्धिमता और क्या है। वट ऑफ अ मैंस इंडिवियर गॉड्स हाई ग्रेस सो लवली सो ग्रेट, भगवान की कृपा है टू स्टैंड फ्रॉम फियर सेट फ्री,
युद्ध से दूर, डर से दूर रहना, टू ब्रीथ एंड वेट, सांस लेना और इंतजार करना, टू होल्ड हैंड, हाथ पकड़ना, अफ्लिक्टेड ओवर हेट, नफरत से दूर रहना, एंड शैल नॉट लवलीनेस बी लव्ड फॉर एवर, हर किसी के लिए प्यार भरा बनना, ये है बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर इस चैप्टर में व्हाट इज कल्चर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जड़ें जमी हुई हैं, कल्चर वो है जिसमें नीचे जड़ें जमी हों, हम पास्ट की बातों को भी फॉलो करें और हम अपने दिमाग को और खिड़की दर दिमाग के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल कर रखें, जिससे कि हम सामने के कल्चर को भी अगर अच्छा है तो अच्छी बातें स्वीकार करें और बुरा है तो बुरी बातों को छोड़ दें। लेकिन अच्छा हमें स्वीकार करना है या नहीं करना है ये निर्भर इस बात पर करता है जब हम सुन लें। हमें हमारी अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हम किसी की सुनते ही नहीं और हम किसी को फॉलो ही नहीं करते। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस सब्सक्राइब अवर चैनल टॉक टू समू एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी एबल टू वॉच एवरी वीडियो ऑन टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, टॉक टू समू।